Recording is on. आज अपन संधि प्रकरण पढ़ेंगे कि संधि क्या है, किन शब्दों से मिलकर के संधि बनती है। देखो संधि संधि की परिभाषा, संधि दो या दो से अधिक वर्णों या व्यंजनों के मेल से जो विकार होता है उसको संधि कहते हैं। देखो दो या संधि दो या दो वर्णों या व्यंजनों के मेल पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक जो वर्ण है या व्यंजन है उनके मिल जाने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कई प्रकार की होती है। देखो संधि के भेद, उसको प्रकार भी बोलते हैं। ये तीन प्रकार की होती है। यानी संधि के पहला होगा स्वर संधि, इसके बाद में दूसरा व्यंजन और फिर विसर्ग। संधि के प्रकार यानी संधि के भेद ये तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अपन पढ़ेंगे स्वर संधि। यानी स्वर संधि भी कई प्रकार की होती है और वो आपके पास, देखो वो आपके कोर्स में है 8। इधर देखो नंबर 1 स्वर संधि। स्वर संधि 7 प्रकार की होती है। स्वर संधि सात प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 व्यय संधि, और नंबर 4 है वृद्धि संधि। इसके बाद में 5
पांच है आपका अयादी संधि, इसके बाद में देखो पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि नंबर सात पद, ये है ना जो सात प्रकार आपको बताए गए ये स्वर संधि के हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यर संधि, वृद्धि संधि और इसके बाद में पांचवा है अयादि, छठा पूर्व रूप संधि और सातवां पर रूप संधि। आज अगर दीर्घ संधि पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि जो है क्या सूत्र मिलकर के और किस प्रकार से उसमें वाक्य बनते हैं। देखो अब आपको समझ में आ गया होगा कि है ना संधि किसे कहते हैं, दो या दो वर्णों या दो से अधिक, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो दो या दो या दो या दो से अधिक वर्णों या व्यंजनों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है यानी जो वाक्य बनता है उसको हम संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि तीन प्रकार की, यानी देखो तीन प्रकार की होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग यानी कितना है स्वर संधि, तो स्वर संधि सात प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि, पूर्व रूप और पर रूप। क्या हुआ चला नहीं क्या? नंबर वन स्वर संधि, स्वर संधि का पहला प्रकार जो है स्वर संधि प्रकार होती है। नंबर वन दीर्घ संधि, दीर्घ संधि यदि इसमें ह्रास हो, दीर्घ संधि किसे कहते हैं जिसमें है ना समान स्वर होते हैं और जो समान स्वर वाले जितने भी वाक्य हैं वो दीर्घ संधि के ही उदाहरण होते हैं। देखो जो है
है ये छोटी है किसका इसकी बड़ी हो जाएगी, तो ये इसमें समान शो होते हैं। दूसरी संधियों में इसका आ और ओ मिलके मतलब दूसरा वाक्य बनता है, कोई सभी ए है ओ है, इसमें है ना एक का जो है उसी का की बड़ा स्वर जो यहाँ पर हो जाता है दीर्घ, यही दीर्घ लक्ष हो जाता है। देखो इसके ऊपर पहले हम लिखेंगे कि लघु और लघु मिलाकर के दीर्घ हो गया, तो पहले है ना इस वाले सूत्र के है ना उदाहरण देखेंगे कि है ना इसमें कहां पर लघु जो है उन दोनों लघु आगे भी लघु है और पीछे भी लघु है, फिर जाकर के वो दीर्घ हुआ है। जैसे इसमें परिभाषा में बताया हुआ है आपके कि है ना मतलब है ना लघु जो है ये आगे जाकर के दीर्घ हो जाते हैं, इन्हीं दोनों समान स्वर है जो यहाँ पर छोटा है वही वहां पर जाकर के बड़ा हो जाता है, कोई सी कोई अलग नहीं है, दोनों सबके समान स्वर है। दीर्घ शब्द में इसी तरीके से चलता है। देखो उदाहरण नंबर वन दैत्यागी, शुभ
अवसर यानी शुभ अवसर, शुभ
रखिए, दीर्घ आएगा और प्लस छोटा बराबर दीर्घ ही होगा। दूसरा कदापि, कदा प्लस अपि, यहाँ पे भी इसी सूत्र का प्रयोग हुआ है कि इसमें पहले दीर्घ है फिर लघु है इसके बाद में दीर्घ बनेगा। इस तरीके से ये इस वाले के सूत्र के उदाहरण हुए। चौथा सूत्र देखो, चौथे सूत्र में आपके दीर्घ प्लस फिर दीर्घ आएगा और बराबर में भी दीर्घ ही होगा। देखो इसको किस तरीके से आपको करना है। महात्मा उदाहरण होगा आपका नंबर वन, महात्मा। अब इसको किस तरीके से विच्छेद करोगे, महा प्लस आत्मा। महा प्लस आत्मा इन्हीं दोनों में दीर्घ निकल रहा है, यहां पे भी दीर्घ निकल रहा है और प्लस है ना आप इधर आत्मा में भी दीर्घ निकल रहा है तो वो ये जाकर के आगे जाकर के दीर्घ ही होगा। इधर आप सूत्र से देखो कि यहाँ पे भी दीर्घ है प्लस यहाँ पे भी दीर्घ है और आगे जाके भी दीर्घ ही बनेगा, समान स्वर है इसलिए समान स्वर होने के कारण यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। एक दूसरा उदाहरण और देखो, दिवाकर। दिवा प्लस आकर दिवाकर इन्हीं इसमें भी है ना इसी दीर्घ का है, ये दोनों दीर्घ निकलेंगे। जैसे ये आप देखो प्लस पे आ प्लस आ इन्हीं दोनों आ जो है वो दीर्घ है और फिर लास्ट में जाकर के दीर्घ बनता है। तो उसी प्रकार इसमें आप यहाँ से देखते हो किस तरीके से इसमें सूत्र निकलता है। जैसे ये यहाँ पर दीर्घ है तो यहाँ पर दीर्घ निकलेगा प्लस दीर्घ और बराबर दीर्घ ही बनेगा। जब इस तरीके से सूत्र आता है जब समान स्वर होते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि भी होती है। आगे देखो, ये किसी का है दीर्घ संधि का नंबर वन, हरिंद्र। इंद्र हरि प्लस इंद्र, देखो दोनों पे आना हरि प्लस इंद्र, इधर भी आपके है ना लघु निकल रही है ई और इधर भी, तो ये बराबर जाकर दीर्घ होगा। देखो ई प्लस ई और ये दीर्घ,
क्यों दोनों में है ना लघु निकलता है, दोनों जन की लघु है तो है ना निश्चित ही ये है ना बराबर जाकर के दीर्घ होगा, क्योंकि दीर्घ शंति है और समान स्वर दोनों में निकल रहे हैं। अब आप दूसरा देखो उदाहरण, गिरीश गिरी प्लस ईश, गिरीश गिरी प्लस ईश यानी यहां पर लघु और प्लस दीर्घ यानी बराबर दीर्घ ही होगा। देखो ये आपका लघु है और प्लस यहाँ पर दीर्घ आया हुआ है, दीर्घ ही होगा। इस तरीके से है ना जब कोई उदाहरण आता है तो उसको विच्छेद करने से, जब आप विच्छेद करोगे विच्छेद से क्या सूत्र निकलता है और सूत्र के अनुसार ही आपको पता पड़ेगा कि ये दीर्घ संधि है या गुण संधि है या गैर संधि है। जब समान स्वर होंगे, जब समान स्वर जब वहां पे होंगे जहां पर दीर्घ संधि होगी, यानी उसमें मैंने आपको भी पहले बताया था कि जहां पर आ है आ ई और बी यानी ये सूत्र जो है ये आगे जाके जब दीर्घ बन जाते हैं जब इनका दीर्घ हो जाएगा तो ये है ना दीर्घ संधि के ही सूत्र है सारे, और है ना इनका ही मतलब दीर्घ बनना दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब ये लघु जो है आगे जाके दीर्घ बन जाते हैं और दीर्घ सिर्फ है ना स्वर संधि में ही बनते हैं कि उसी में समान स्वर आता है, बाकी के सभी सभी संधियों में समान स्वर नहीं होते हैं। देखो आगे और ये तीनों में दीर्घ होगा, आप इसका देखना तीनों में जब दीर्घ होगा वो ऊपर कौन सा आएगा, धनीश्वर देवीश देवीश Thank you.
ये दोनों छोटे हैं और यहाँ पर इसका दीर्घ होगा यानी बड़ा हो जाएगा। देखो गुरु का जीश इस तरीके से इसको विच्छेद करेंगे। यहाँ पे भी गु निकल रहा है जैसे है ना, इन्होंने दिया है गुरु प्लस उपदेश प्लस और इस तरीके से इसका सूत्र निकलेगा। ये सूत्र है, इस पर ये उदाहरण है और समान स्वर दोनों में निकल रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी वो निकल रहा है, यहाँ पे भी इसका दीर्घ होगा, तो ये जब दीर्घ होगा तो वहां पर समान स्वर का दीर्घ होना ही दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे देखो दूसरा इसका उदाहरण देखो वी प्लस इस तरीके से ये आएगा आपका मात्रण। किसका उदाहरण होगा मात्र प्लस ऋणम, मात्र प्लस ऋणम, देखो मात्र प्लस ऋणम, यानी मात्र प्लस ऋणम तब जाकर कि ये शब्द बनेगा मात्रम, मात्रणम, यानी छोटी री प्लस ये और इसी का जो है ना दीर्घ बनेगा, यानी री प्लस थ्री और ये दोनों लघु है, लघु का यहाँ पर दीर्घ होता है तो उसी का उदाहरण है मात्रणम। जब आप इसको विच्छेद करोगे यहाँ पर आप यहाँ पर भी निकलेगी और है ना ऋणम यहाँ पर भी लघु निकलेगा, बराबर यहाँ पर आपका जो है दीर्घ आएगा। तो ये जो समान स्वर यहाँ पर निकलेगी तो आपका है ना ये दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। एक और पांचवा उदाहरण देखो, सूत्र आपका होगा री टाइम हो गया पहले आपको पढ़ा रहा था कि और पढ़ा रहा था नहीं, नहीं पढ़ा आप पढ़ा रहे ना।